Hello friends, welcome to our JavaScript course. JavaScript के कोर्स का ये हमारा जो वीडियो है ये कोर्स ओवरव्यू का वीडियो है. इस वीडियो में हम ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो JavaScript के एकदम स्टार्टिंग में जो लोग JavaScript सीखना चाहते हैं या जो लोग मन बना रहे हैं कि JavaScript का जो डेवलपमेंट एरिया है या जो JavaScript में हमें काम करना है तो ये कोर्स उनके लिए है. और ये कोर्स हिंदी में है और मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का हिंदी कंटेंट हम जो लेके आएंगे वो यूट्यूब पर इस टाइप का हिंदी कंटेंट नहीं मिलेगा. जनरली ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट में या वेब में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन चूँकि इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं सीखने में और लॉजिक्स इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं और कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं और उसके हमें प्रॉब्लम फिर बाद में फेस करना होती है. राइट, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने जावास्क्रिप्ट का एक कोर्स डिजाइन किया है. ये कोर्स का ओवरव्यू है. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का. और इस कोर्स को सीखने के लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए और CSS आना चाहिए. तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि HTML और CSS अगर आपको आता है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अगर HTML CSS आपको नहीं आता है तो पहले आप HTML CSS पढ़ लीजिए उसके बाद में आप इस कोर्स को कर लेंगे. HTML CSS ज़्यादा टफ नहीं है, आप बहुत इजीली उसको सीख सकते हैं. राइट, तो इस कोर्स को करने के बाद जावास्क्रिप्ट को आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. HTML CSS पढ़ने के बाद जावास्क्रिप्ट. राइट, अब जावास्क्रिप्ट करने के क्या फ़ायदे हैं. आज जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और अगर आप वेबसाइट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी टेक्नोलॉजी का बंदा हो, कोई भी कंपनी किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करती हो लेकिन बात अगर वेबसाइट की आती है तो उसमें जावास्क्रिप्ट का रोल कहीं ना कहीं रहता है. राइट, तो जावास्क्रिप्ट हम जो करने जाएंगे उस चार पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट को करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे. बेसिक्स में लैंग्वेज का बेसिक्स रहता है, इफ एल्स स्टेटमेंट रहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग और जो भी उस लैंग्वेज से रिलेटेड ओवरव्यू होता है वो उसकी बेसिक्स से रिलेटेड होगा. उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है हमारा डोम प्रोग्रामिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जावास्क्रिप्ट का जो मेन पर्पस है, जावास्क्रिप्ट जिस काम के लिए जानी जाती है वो डोम प्रोग्रामिंग होती है. डोम प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि HTML जो हमारा पेज होगा, देखिए किसी भी वेब की हम बात करें तो पेज तीन भागों में काम करता है. सबसे पहला पार्ट होता है कि पेज कैसा दिखेगा, वो हम HTML टैग के थ्रू करते हैं. उसके बाद में CSS इस काम को करती है कि पेज को डेकोरेट करना. राइट, तो पेज को डेकोरेट करना, पेज को बनाने का काम HTML में होता है, पेज को डेकोरेट करने का काम CSS में होता है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उस पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे. यही कंसेप्ट है जिसके वजह से जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर है. राइट, उसके बाद में आता है jQuery. jQuery जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि बहुत फेमस है और jQuery के बहुत सारे वर्जन हैं. तो jQuery हमारे जावास्क्रिप्ट के काम को बहुत इजी वे में करती है. तो ये भी हमारा तीसरा पॉइंट होगा और उसके बाद में होगा हमारा प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट में हम एक छोटा सा डमी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमने जिन चीज़ों को सीखा है, जिन कंसेप्ट को सीखा है वो हम उसमें अप्लाई करेंगे. तो ये जावास्क्रिप्ट के कोर्स का ओवरव्यू है. राइट, इस वे में हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ जावास्क्रिप्ट में काम कर रही है और इसको कोर्स को करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क है उस पर आप शिफ्ट हो सकते हैं. खैर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि पहले हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद फ्रेमवर्क और एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाएंगे. इसके बाद जो सीरीज आएगी वो एडवांस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को आएगी. इनको करने के बाद, इन दोनों ही कोर्स को करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर स्विच हो सकते हैं. थैंक यू.